नाज़रीन, मैं आपका अपना आज़म तुर्क तुर्क व्यू लॉगर चैनल से। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी हर नई वीडियो में एक नया कंटेंट लाते हैं। आज हम आए हुए हैं शेख समोसे वाला, PIA रोड पे जो इनकी ब्रांच है। तो आज आप इनसे हम आपकी बात भी कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे तैयार करते हैं समोसे। निहायत ही साफ़ सुथरे तरीके से ही तैयार करते हैं और इनमें ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं, कैसे कैसे इनकी तैयारियाँ होती हैं, वो भी सारी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, आइए हम बात करते हैं इनसे कि ये कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की नाम है तुहाडा? खादम हुसैन। खादम हुसैन साहब, तुसी किन्ने अरसे तो शॉप है तुहाडी? यह जी शॉप है जी PIA रोड के वे, यह तो तकरीबन साल हो गया है। लेकिन जी सा मेन ब्रांच है टाउनशिप जी, वो तकरीबन को 15-20 साल तो है। 15-20 साल तो चल रही है। माशाल्लाह। ऑयल केड़ा यूज़ करते हो? असी ऑयल नहीं यूज़ करते, घी करने, इस्तेमाल सूफी घी इस्तेमाल करने। सूफी घी इस्तेमाल? सूफी का घी इस्तेमाल करने। तो थोड़ा जरा सारा हिसाब किताब तुम तैयार करते हो, खुद करते हो समोसे? ये साढ़े उत्थे टाउनशिप जड़ा ना गोदाम से सारा एक जगह से सारा तैयार होंगे। सारिया ब्रांचा वास्ते किचन एक ही किचन एक ही है, उतो तैयार होकर इतने आने ने। कितनी ब्रांचा ने माशाल्लाह? अपनी चार ब्रांचा ने जी। एक टाउनशिप मेन ब्रांच हो गई, एक ब्रांच है कि साड़ी मॉडल टाउन लिंक रोड दे राजा साहब के साथ गली में जी जी। दूसरी एक बरकत मार्केट है, एक है PIA रोड दे। चार ब्रांचा ने? चार ब्रांचा ने। ठीक हो गए सर। इस अलावा साड़ी कोई ब्रांच नहीं है। तुहाडे कोल रश किन्ने बजे होंदा है? रश का कोई टाइमिंग नहीं होंगी है, लेकिन अमूमन PIA रोड से जरा रश है ना जी जी, कोई 2 बजे पहले 11 बजे तो लै के, कोई 2 बजे तक, उस तो बाद 3 बजे तो लै के, कोई 5-6 बजे तक, 5 बजे तक रश ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया। थोड़े को पार्टी दे, पिकनिक दे, कोई ऐसे शादी के भी ऑर्डर आते? ऑर्डर आते रहते। ठीक है। हाँ जी, यानी कि तुम शादी का ऑर्डर भी बुक कर लेंगे हो, कोई जिस तरह अफतारी हो गई इस चीज़ों का भी? हाँ जी, वो ऑर्डर इस तरह कि असी अपनी अफतारी वगैरह का जो ऑर्डर होंगे ना जी, वो असी अपनी शॉप से ही मतलब तैयार करके देने। ठीक है। जाके गाड़ी तैयार करी दें, लेकिन दुकान का सिलसिला फिर खराब होंगे ना जी। तुम यानी कि ऑनलाइन उत्थे जाके करते हो, जिते वो ऑर्डर देंगे उन्होंने कोल ही तैयार करके उन्होंने देते हो? उत्थे भी होंगे ने, लेकिन मोस्टली साड़ी दुकान से इस्तेमाल तैयार होता है। पैकिंग करके भेज दी? इसमें पैकिंग करके भेजी थी। वेरी गुड, शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी टाइम देने का। आइए हम बात करेंगे अब जो यहाँ पे समोसे और भटूरे वगैरह खाने आते हैं, और कब से आ रहे हैं, या इनका टेस्ट कैसा लगा है, आप खुद सुन लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नवीद हमदानी है। नवीद साहब, आपको इनका टेस्ट कैसा लगा शेख? आपको ये नज़र आया जैसे कि प्लेट ख़त्म हो गई और आई एम स्टिल ऑन इट, इसका मतलब यह है कि बहुत अच्छा टेस्ट है। यहाँ साथ ही ऑफिस है, आज पहली दफ़ा वैसे तो मैं इधर आया हूँ लाइव खाने, इससे पहले ऑफिस में ही मंगवा लेते हैं इनके समोसे, काफ़ी अर्से से हम लोग खा रहे हैं एंड वी आर एंजॉइंग अ लॉट। अच्छा, ये यानी कि अभी तो आप भटूरे खा रहे हैं, तो इनका टेस्ट तो आप बता रहे हैं, समोसों का कैसा टेस्ट है? वंडरफुल, शेख समोसे वाले बेस्ट समोसे, क्योंकि समोसे होते हैं और बेहतरीन समोसे होते हैं जी। हमने इनकी कवरेज भी की है लाइव बनते हुए, कि ये बहुत अच्छा तरीका है इनका बनाने का भी, और काफ़ी अच्छी चीज़ें ये मिक्स करते हैं, और मेरे हिसाब से चने वगैरह में काफ़ी चीज़ें उन्होंने डाल के दी हैं आपको। जैसे नहीं, कि समोसे इनके बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे से खा रहे हैं जी। थैंक यू सर। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स जी। थैंक यू सर। अच्छा जी, पुराने खा रहे हैं, जब इनकी टाउनशिप वाली ब्रांच है उधर से खा रहे हैं? हाँ जी, मेन ब्रांच तो इनकी मेरे ख्याल से जी वहीं से खा रहे हैं। हाँ, तो इनके साथ भी आपको ये 1-1.5 साल से हम खा रहे हैं। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। थैंक यू।
सुना है सारा कुछ कि ये ऑर्डर भी वगैरह बुक करते हैं, इनका नंबर भी हमने नीचे पट्टी पे चला दिया है, आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं किसी छोटी सी पार्टी के लिए, बड़ी पार्टी के लिए या रमज़ान में इफ्तारी के लिए। तो आज आपने देखा शेख समोसे वाले PIA ब्रांच पे आप आए थे। बाकी हमारी वीडियो वगैरह देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।